हाय गाइस, आप देख रहे हैं मूवीयापा विद शिवम वशिष्ठ और आज हम मूवीयापा करने वाले हैं मूवी साहब बीवी और गैंगस्टर 3। तो साहब बीवी गैंगस्टर 3 की हम बात कर रहे हैं। अगर हम पीछे जाएं 1 और 2 की बात करें तो उसमें माही गिल ने बहुत कुछ दिखाया, मतलब एक्टिंग का जौहर दिखाया और इस बार ही इतना जौहर नहीं दिखा पाई हैं ये। हो सकता है तबीयत खराब हो, बारिश का सीजन चल रहा है। और दूसरी बात करते हैं हम सोहली खान की, भाई साहब पिछले सीजन में यानी पिछली जो मूवियाँ रही हैं, पिछले जो पार्ट रहे हैं उसमें उन्होंने बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग करी है, लेकिन इस बार वो बहुत ही छोटा सा रोल करके और बस गायब हो गई हैं। हो सकता है पारिवारिक स्थिति उनकी ऐसी चल रही, घर पर ज़्यादा टाइम देना हो उन्हें तो घर पर ज़्यादा टाइम देना हो इसलिए शायद वो इतना टाइम नहीं दे पाई और हमें बहुत ही कम रोल उनका देखने को मिला है। बात कर रहे हैं हम कटेश्वर बाबा की। जी हाँ, बाबा कटेश्वर जिम्मी शेरगिल, जिनका हर समय कट्ठा रहता है इस मूवी में, इन्होंने धर के कटवाया है भैया। जेल से निकलने से लेकर एंड तक इनका सिर्फ कट ही रहा है। बाबा मदद करो इस बंदे की। तो मूवी में नजर आए आपको संजू बाबा, जो कि बहुत ही थके हुए नजर आए हैं भाई साहब इसमें। बिल्कुल भी बेकार एक्टिंग, यानी जो वास्तव फेम संजय दत्त हैं वो इसमें बिल्कुल नहीं नजर आ रहे हैं बाबा। तो वो जो चार्म है वो नजर नहीं आया है, थकावट नजर आ रही है संजय दत्त में। और जो है माही गिल, लस्ट के नाम पे लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया बाबा, क्योंकि इसका जो मिला जुला रिस्पॉन्स आ रहा है, मैं बताता हूँ आपको, जब मूवी की शुरुआत होती है बहुत ही लचर शुरुआत है। साहेब जो कि जेल में बंद हैं बेचारे, छूटने के लिए फड़फड़ा रहे हैं, वहाँ से मूवी स्टार्ट होती है और किस तरीके से वो बाहर निकलते हैं, वहाँ से निकलते हैं और जो भी रंजिशें होती हैं, पॉलिटिक्स, लस्ट, राजस्थान, राजपूतों की कहानियाँ, ये सारी चीज़ें आपको दिखने वाली हैं। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, साहब बीवी और गैंगस्टर 3, जिसको आने में लग गए भाई साहब 5 साल। अगर आप लोग देखना चाह रहे हैं तो मैं बताऊँ सेकेंड हाफ तक पहुँचते मूवी और ज़्यादा बोरिंग हो जा रही है, यानी जो द ग्रेट तिग्मांशु धूलिया का जो डायरेक्शन है वो कहीं फेल होता नज़र आया है इसमें, फेल हो गए पूरी तरीके से। तो धूलिया साहब हमें तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं, तुमसे ना हो पाएगा। साहब बीबी और गैंगस्टर 3 के अगर सिनेमेटोग्राफी की हम बात करें तो हमारे साथ एक भाई साहब हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। अरे शर्म करो, कंजरी माँ दे बचियो, दगड़दल्ली माँ दे बचियो, कुछ अच्छा काम करो। जैसे मैं बताता हूँ, मेरे वीडियो सोसाइटी को मैसेज देते हैं, समाज को संदेश देते हैं, उन्नति लाते हैं, अरे ऐसे कुछ बनाओ। लेकिन वो संदेश और उन्नति आप नहीं दे पाए हैं, माफ कीजिएगा धूलिया साहब, इससे अच्छा है आंटी के चाय पीलो वाले हम वीडियो देख लें। तो भाई साहब ये मूवी पूरी तरीके से हो गई है फेल, यानी एक्सपेक्टेशन पे ये उस तरीके से नहीं उतरी है। तो साहब बीबी और गैंगस्टर 3 को मूवीयापा में मिल रहे हैं 1.5 स्टार। अब अगर आप देखने गए तो मूवी हॉल से निकलते वक्त आपकी हालत ये होने वाली है। तो गाइस लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए धराकला को, और जो है कमेंट सेक्शन में जाइए और हमें बताइए कि कमिंग सून में आपको कौन सी मूवी का मूवीयापा चाहिए, यानी मूवी रिव्यू चाहिए, क्योंकि भैया उसमें तेरा घाटा अपना कुछ नहीं जाता। मूवीयापा बाय शिवम वशिष्ठ। आप पूरा नहीं बोलने दिया तुमने, छोड़ो ना। अरे चलो चलो।